मैं जब पहले पहले आगोश में आया तो मैं बहुत रोता था और यहाँ पर खुश नहीं था, लेकिन आदत हो गई आगोश में। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो है ना वो किसी महरूमियत का शिकार ना हो, बल्कि वो यहाँ पे फील करें कि जी हमें जो है ना दुनिया में हमारे जो भी ख्वाहिश थी वो हमें यहाँ पे मुयस्सर है। आजकल चूंकि रमज़ान चल रहा है तो इस वक्त इन बच्चों के लिए अफ्तारी का जो है ना वो दस्तरखान सजा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हमने कोशिश की है कि इन बच्चों को खिलाई जाए। यहाँ पे जो बच्चे रजिस्टर हैं इनके मुकामी यहाँ पे जो डोनर है मुआविनीन है वो 15,000 रुपये महीना जो है ना इस भाई के एक बच्चे का हमें बेचते हैं, जिससे हम इन बच्चों की जो है ना वो तरबियत और इनकी खिदमत करते हैं। हम पेशावर के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, पेशावर मॉडल मुस्लिम, और नमाज, दरसुल हदीस, कुरान मजीद का सबक, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, मेहमान आते हैं, बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को भी यकीनी बनाते हैं और माशरे के मुख्तलिफ जो मौजीजीन हैं, नामी गिरामी लोग हैं, हर तबके से जो ताल्लुक है उनको हम बुलाते हैं इन बच्चों के साथ अफ्तारी करने, खाने पीने के लिए मिल बैठने, गपशप लगने, ताकि बच्चे सोसाइटी से कट ऑफ महसूस न करें। बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक घर जैसा माहौल हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी जहनी नशोनुमा, उनकी जहनी सकून, उनका आराम का ख्याल, उनका सेहत का ख्याल, उनकी तालीम तरबियत, उनकी दीनी तालीम तरबियत, उनके लिए सैर तफरी के इंतज़ाम, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को हम मुख्तलिफ मुकामी डोनर के ताउन से यकीनी बनाते हैं।